हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज एक नई सुबह, एक नया दिन और एक नई उम्मीद लेके मैं आप सबके बीच निहारिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, फिलहाल पहले से अच्छी हूँ। मैं अभी दिन ही है सबके टेंशन का, हर कोई परेशान है अपनी अपनी ज़िंदगी में, तो मैं क्यों छुट्टी रहूँ, मैं तो और ज़्यादा परेशान होंगी। तो मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि फटे हुए दूध का इस्तेमाल कैसे करें। आज मैं फिर दिखाऊंगी कि फटे हुए दूध के हम लोग और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज एक नई तरह की मिठाई आपको बना के दिखाऊंगी, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोग किसी भी, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे पूजा हो, चाहे कोई लेडीज़ व्रत करती हो तो भी खा सकती हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे जैसे कि मेरे सिंगिंग प्रोग्राम में आप लोग मुझे प्यार देते रहे हैं, मेरे सिंगिंग करियर में आप लोग मुझे प्यार देते रहे हैं, वैसे मेरे ब्लॉग में भी आप लोग मुझे उतना ही प्यार देंगे। और आप लोगों का प्यार दुलार मैं बहुत दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत, क्योंकि आप लोग ही हम कलाकारों की दुनिया ही आप लोग हैं। और मुझे उसी तरह का प्यार इस ब्लॉग में मिलेगा, इस उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मेरा दूध कट गया था, मैं उसका छेना बना के रख ली थी पहले से ही, क्योंकि वो दूध फट गया था तो मैंने उसका छेना निकाल के रख दिया था कल रात ही। और चलिए मैं इसको दिखाऊँगी, इसको वही जैसे मैंने रसगुल्ले बनाए थे सेम उसी तरीक़े से इसको भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ऐसे अच्छे से कर लेना है। और इसमें आपको बेकिंग पाउडर और कुछ नहीं मिलाना है, बस आप देखते जाइए। दो तीन चीज़ों से मैं ये मिठाई कितनी अच्छे से बनाती हूँ और कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनाती हूँ कि आप भी बनाएं घर पे और किसी को भी खिलाएंगे तो सिर्फ आपकी तारीफ ही तारीफ होगी। देखिए अभी ये मेरा बन के तैयार हो चुका है। मुझे रसगुल्ले में जैसे मैंने डो बनाया था, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं चाहिए। देखिए ये बस इतना ही काफ़ी है। इसको एक मिनट कम से कम आप अच्छे से मेल्ट कर लें और इसके बाद चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। अब मैं गैस ऑन करके पैन को गैस पे बैठा चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। ये मैंने 1.25 लीटर दूध डाला है इसमें। अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये उबल जाए और ये इसको इतना उबालना है कि ये पूरा दूध उबल उबल के सिर्फ 1 कप तक रह जाए, 1.5 कप तक रह जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूध में उबाल आ चुका है और मैं इसको हिलाते रहूँगी, चलाते रहूँगी। थोड़ी थोड़ी देर में आके इसको चलाते रहूँगी, तब तक मैं आम में से उसकी सारी जो हमको काट के मिक्सी में पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए मैंने 2 इस साइज के आम लिए हैं। अब मैं इसके कवर को हटा के इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए मेरे दूध में कितने अच्छे से उबाल आ रहा है और दूध का कंटेंसेंसी, दूध की मात्रा पहले से बहुत ज़्यादा कम गई है। अब ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, ये ऐसे खोलते रहेगा पर बीच बीच में आप चलाते रहिए। और देखिए मेरे 2 आम में से इतना निकला है। अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। चलिए आगे दिखाते हैं। मेरा आम भी ग्राइंड हो चुका है
देख ही सकते हैं आप, मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है बिल्कुल। और यहाँ मेरा दूध भी अपने प्रगति पे है, ये भी अपना काम कर ही रहा है। आप इसको ऐसे चलाते रहिएगा। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट बनती है और जो खाएगा सिर्फ आपके लिए तारीफ ही तारीफ करेगा। और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिएगा और अपने घर पे भी बनाइएगा। और आपके आपको अगर किसी भी तरह का तारीफ मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं 100% कह सकती हूँ कि आपने अगर ये मिठाई घर पे बना ली तो सिर्फ आपकी तारीफ ही होगी। पर ऐसे भी हम औरतें जानते हैं कि पतियों के दिल तक जाने का रास्ता पेट से होकर के जाता है, वो पति हो, सास हो, ससुराल वाले हो, कोई भी हो, माँ बाप ही क्यों ना हो। किसी के दिल में जगह बनाना है तो उसके पेट को सुकून पहुँचाइए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरा दूध पूरा आधे से भी कम हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी अभी आधे से भी कम हो गई है। अभी थोड़ा सा और वेट करना है हमें। देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब मैंने दूध डाला था और ये कितना हो गया है। अभी थोड़ा सा और वेट करना है हमें। देख रहे हो जैसे हमारी ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, मीठा कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, जैसा खाते हैं वैसा डालिएगा। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, हमारे घर में जितना मीठा खाता है उतना डाल रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से डालिएगा और इसको चलाते रहिएगा और दे पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और इसको चलाते रहिएगा। ये फिर से थोड़ा सा पतला बन जाएगा, चीनी का रस जब छूटेगा तब इसको ये थोड़ा सा और ज़्यादा ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें मैंने जो छेना रखा था उस छेने को थोड़ी देर बाद इसमें डाल दूँगी। चलिए देखिए, इसको हिलाते रहना है आस पास से, सबसे ले कर इसको चलाते ही रहना है जब तक ना इसमें छेना पड़े, जब तक ये चीनी का थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और चीनी अच्छी तरह से, मैं थोड़ी सी और चीनी डाल देती हूँ इसमें क्योंकि वो थोड़ा लग रहा है मीठा कम होगा। अब मैं इसमें छेने को डाल दूँगी। देखिए इसमें उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें छेने को डाल के फिर इसमें अच्छे से इसको फिर चलाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे जम भी सकता है, जल भी सकता है। इसे मैं चलाते ही रहूँगी, तब तक चलाते रहूँगी जब तक ये अच्छे से घुल ना जाए और पक ना जाए, इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए और दाना दाना ना बन जाए। और आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने आम का पेस्ट बना के रखा है, जो मैंने आम को मिक्सी में ग्राइंड करके रखा है उसे डाल दूँगी मैं। और देखिए मैंने पूरा आम नहीं डाला है, मैंने थोड़ा से बचा के रख दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से इसमें चला के मेल्ट करूँगी। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है उतना ही खूबसूरत ये खाने में भी लगता है और बहुत स्वादिष्ट होता है ये। तो मैं बची हुई आम को भी इसमें डाल देती हूँ क्योंकि ये शायद थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसका कलर फीका पड़ गया था, इसलिए मैं अच्छे से इसको चला चला के इसको तैयार कर लूँगी पूरे अच्छे से। देखिए ऐसे चलाते ही रहना है आपको। और अब ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ी देर, दो एक सेकंड और थोड़ी देर इसको इसमें रखती हूँ ताकि इसका जो बचा कुचा भी है वो अच्छे से पक जाए।
और देखिए इसका ये पूरा अलग अलग हो चुका है। मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। अब मैं इसको उतार के एक थाली, एक बर्तन में, जिस बर्तन में पहले से मैं ऑयल लगा के रखी हूँ, इसे मैंने पहले से ऑयल लगा के रखा था, अब इसी में मैं पूरे इसको डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीक़ा से सेट कर लूँगी। चलिए दिखाती हूँ सेट करके आप लोगों को। इसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं इसको कितने अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हैं तो इसको 10-12 घंटे लग जाएंगे, मैं आज जल्दबाजी है तो इसको फ्रिज में आप रख दीजिए। अब ये 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद, 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद पूरे अच्छी तरीके से जम गया। मैं इसे चाकू से काट काट के पूरा पेस्ट बना लूँगी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जम गई है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं इसे पीस पीस करके, आप चाहे तो इसके ऊपर किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, कुछ भी, पर मैं ऐसे ही पसंद करती हूँ, मेरे घर में सब ऐसे ही पसंद करते हैं तो मैंने ऐसे ही बनाया है। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत ये दुकान से दुकान की जैसी, पूरी हलवाई जैसी बनेगी और बहुत खूबसूरत लगेगा। आप लोग बना के टेस्ट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। हे फ्रेंड, मेरी फटी हुई दूध की जो दूसरी मिठाई का रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर किया, जो अभी अभी की मैं, वो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज सूर्य ग्रहण है, 5 घंटे का सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, ना धूप है ना कुछ, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा वेदर है, सब कुछ है। तो चलिए मेरी वीडियो, मुझे और क्या क्या आगे नया नया बनाना है, क्या क्या करना है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए, दिन बाद।